जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा। दोस्तों ये व्रत जो है बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ किया जाता है। विशेष तौर पर कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं, लेकिन जो विवाहित महिला है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाता है और व्रत के पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। तो चलिए सुन लेते हैं इस व्रत की कथा। बहुत पुरानी बात है, एक समय में कुरु नाम के देश में श्रुति कीर्ति नाम का बहुत ही प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा राज्य किया करता था। वह राजा बहुत ही गुणी था, अपनी कलाओं में विशेष तौर पे धनुष विद्या में बहुत ही निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वंचित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या करने से देवी प्रसन्न हुई। कई तरह की तपस्याएं की थी, तब जाके माँ देवी प्रसन्न हुई और माँ देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे राजन मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ मैं सर्व सुखों धन धान्य से संपन्न हूँ, यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख जिससे कि मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र दे दीजिए। देवी माँ ने कहा, राजन ये बहुत ही दुर्लभ वरदान है, ये पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं ये वरदान तो दे देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक अधिक जीवित नहीं रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने ये वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए, राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान से विचार विमर्श करने पर उसे पता चला कि अगर वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या के साथ करवा दे जिसने की मंगला गौरी का व्रत किया हो तो उसके प्राण बच सकते हैं। उन्होंने ऐसी कन्या की तलाश करनी चालू की और अंत में उन्हें एक ऐसी सुकन्या मिली जिसने की यह व्रत किया हुआ था। व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर प्राप्ति के लिए उसने ये व्रत किया था और वह कन्या को सौभाग्यशालिनी और सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त हो चुका था, क्योंकि उसने मंगला गौरी का व्रत किया था। और जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष भी स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह से जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से ये फलदायी मंगला गौरी का व्रत करती है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मनोभाव से करती है उनको पति सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा है मंगला गौरी के व्रत का प्रभाव। दोस्तों आप भी इस व्रत को जरूर से कीजिएगा और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों अगर अपना देश को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही दोस्तों आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या आप मंगला गौरी का व्रत करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।